फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने क्लास फर्स्ट का सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर शेप्स लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स टू टाइप्स की होती हैं, प्लेन और सॉलिड। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं उनके। प्लेन के अंदर आते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, ओवल। उसके बाद सॉलिड में क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर और कोन। तो बच्चों को इस तरीके से पहले नेम्स लर्न कराएं शेप्स के। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले स्क्वायर की, कि स्क्वायर होता क्या है। दिस इज अ स्क्वायर। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है स्क्वायर की। इट हैज फोर साइड्स एंड इट हैज फोर कॉर्नर्स। तो बच्चों को ये बताएं कि स्क्वायर जो होता है उसकी चार साइड, फोर साइड होती हैं और उनके जो फोर साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल की शेप बनाई है। इट हैज फोर साइड्स, इट हैज फोर कॉर्नर्स। इसमें भी फोर साइड होती हैं और फोर कॉर्नर्स होते हैं। सर्कल, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है। इट हैज नो साइड एंड इट हैज नो कॉर्नर। यहाँ पे कोई साइड नहीं होती और ना ही कोई कॉर्नर होता है। उसके बाद आता है ट्राइंगल। दिस इज अ ट्राइंगल। इट हैज थ्री साइड्स, इट हैज थ्री कॉर्नर्स। इसकी थ्री साइड्स होती हैं और थ्री कॉर्नर्स होते हैं। बच्चों को अगर आप साइड्स और कॉर्नर्स का एग्जाम्पल लेकर और पिक्चर्स बनाकर समझाएंगे तो बच्चों को स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल इन सब में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें ओवल। ओवल, दिस इज एन ओवल। इट हैज नो साइड एंड नो कॉर्नर। इसमें कोई साइड नहीं होती, ना ही कोई कॉर्नर होता है। अब आती है बात क्यूब की। यहाँ पे मैंने क्यूब की इमेज बनाई है। इट हैज सिक्स फेसेस, ईच फेस इज अ स्क्वायर। यहाँ पे जितने भी फेसेस होते हैं ये स्क्वायर शेप के होते हैं, यानी कि सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइस, जो लूडो का जो डाइस होता है उसको एग्जाम्पल देकर बच्चों को बता सकते हैं। उसके बाद आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में भी सिक्स फेसेस होते हैं, बट इसके जो फेस होते हैं वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ, ब्रेथ हमेशा सामने आमने सामने की इक्वल होंगी और लेंथ इक्वल होंगी। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इरेजर। उसके बाद आता है स्फीयर। इट हैज नो साइड नो कॉर्नर फॉर लाइक अ सर्कल, बट इट हैज ओनली वन कर्व सरफेस सरफेस फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल। स्फीयर कैसा होता है, सॉलिड होता है। उसमें क्या है, मतलब हॉलो नहीं है, वो आर पार हम उसमें नहीं कर सकते। जैसे सर्कल है, जैसे सर्कल का एग्जाम्पल हम बैंगल बता सकते हैं, तो अगर उसमें हम हाथ डालते हैं तो वो अंदर चला जाता है हाथ। बट फुटबॉल क्या है, सॉलिड है, ठोस है। तो उसके लिए हमें अंतर बताने के लिए हम क्या एग्जाम्पल देंगे इसमें, फुटबॉल। तो स्फीयर का एग्जाम्पल फुटबॉल होगा। तो इस तरह से बच्चे को समझ में आएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्कल और स्फीयर है तो दोनों गोल, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वो आपको थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझाना पड़ेगा। उसके बाद आता है सिलेंडर। ये शेप सिलेंडर की है। इट हैज थ्री फेसेस, द टॉप एंड बॉटम आर सर्कुलर इन शेप। जो ऊपर का और नीचे का जो हिस्सा होता है इसका सर्कुलर होता है। उसके बाद आता है कोन। इट हैज अ पॉइंट एट वन एंड एंड सर्कल एट द अदर। जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिख ही रहा है, यहाँ पे पॉइंट है और दूसरी साइड इसमें सर्कल बना हुआ है। तो इस तरीके से आप बच्चों को इमेजेस बनाकर, उनकी साइड्स और उनके कॉर्नर्स एग्जाम्पल लेकर ये सब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इसमें कुछ एक्टिविटी, जिससे कि बच्चों को शेप्स आसानी से समझ में आ सके। जैसे यहाँ पे मैंने एक शेप बनाई है सर्कल की, तो क्या हो सकता है, बच्चों को शेप देखकर बस उसमें क्या करना है, मैच करना है। ट्राइंगल, कोन, सिलेंडर,
इस तरीके से आप करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, कलर द शेप्स एज इंडिकेटेड। यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स बनाई हुई है, हमें क्या करना है इस शेप्स को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे कलरिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, तो सर्कल शेप ढूंढेंगे कहाँ कहाँ पर है, और इस तरीके से आप बच्चों को एक्टिविटी करा सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को क्या करना है, कलर करना है। जहां जहां पे सर्कल होगा वहां वहां पे वो ब्लू कर देगा। उसके बाद आता है रेड, रेड कलर का ट्राइंगल है, तो जहां पे भी ट्राइंगल बना हुआ है इस तरीके से। फिर ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया। इस तरीके से शेप्स में बच्चा कलर भी करेगा, बच्चों को कलर के नेम्स भी लर्न होंगे, शेप्स भी लर्न होंगी, और थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। नेक्स्ट आता है इसमें मल्टीपल चॉइस। जितने भी मैंने शेप्स के बारे में समझाया उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्क्वायर हैज डैश साइड। स्क्वायर की कितनी साइड्स होती है, 4 और 6। 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइंगल। पिक्चर आइडेंटिफाई करनी है, ट्राइंगल। डैश हैज अ कर्व्ड सरफेस, ऑरेंज और बुक, ऑरेंज। डैश हैज 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, रेक्टेंगल और स्क्वायर। 4 साइड्स, चारों साइड इक्वल किसकी होती हैं, स्क्वायर की। अ ट्राइंगल हैज डैश कॉर्नर, 3। ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज अ स्फीयर और स्क्वायर, स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप करा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ शेप्स बनाई हुई हैं और यहाँ पे उनके नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल और ओवल्स। तो बच्चों को क्या करना है, ट्राइंगल शेप आइडेंटिफाई करके उनके नंबर लिखने हैं, मतलब कितनी शेप्स यहाँ पर हैं। ऐसे ही सर्कल का करना है, ऐसे ही रेक्टेंगल का। तो एक एक करके हम करते हैं। सबसे पहले आता है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की कितनी शेप्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे बच्चे को 6 लिखना है। उसके बाद सर्कल, सर्कल की कितनी है, 1, 2, 3, 3। रेक्टेंगल, 1, 2, 3, 4। ओवल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से बच्चों को आप करा सकते हैं। तो बच्चों को इससे क्या बेनिफिट होगा, शेप्स भी आइडेंटिफाई होंगी, शेप्स में कलर किस तरीके से उसको करना है, कलरिंग भी समझ में आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।